कोरोना वायरस से लोग संक्रमित न हो, चाहे खुद संक्रमित न हो, इससे लोगों को बचाने के साथ साथ लोगों को जागरूक करने के साथ साथ जरूरी है उनके बीच में मास्क और सैनिटाइजर का वितरण करने का। लेकिन अभी तक ऐसा कहीं देखने को नहीं मिल पा रहा है। गढ़वा जिला मुख्यालय के सहजना मोहल्ले में अधिवक्ता सवार्ड पार्षद प्रतिनिधि जितेंद्र सिन्हा द्वारा वितरण किया गया अभी स्लम मोहल्ले में जाकर, जहाँ के लोग इसे इसकी खरीदगी भी नहीं कर पाएंगे। वो खुद हम हमारे साथ मुझे उनसे बात करते हैं। हम लोग सहजना स्लम बस्ती है, भुइयां टोली महरा टोली जहाँ बोला जाता है, वहाँ जाके हम लोगों ने वैसे लोगों को मास्क और डिटोल साबुन हाथ धोने के लिए दिया गया। साथ ही साथ उनको जागरूकता भी लाया गया कि आप लोग अपने घर में हाथ धोइए और कम से कम आप लोग बाजार में जाइए, अगर कोई दवा वगैरह या जीवन उपयोगी बहुत ज़रूरत हो इस मास्क को लगा के जाइए। यही हम लोग आज किए और सारे लोगों कह रहे हैं कि जो भी सरकार का निर्देश होता है उस निर्देश को आप लोग फॉलो कीजिए, वो अच्छा रहेगा। क्या पहले से उन लोगों के पास था, आप जब वहाँ पहुँचे तो कितना जागरूक थे लोग? नहीं, जागरूकता की तो कमी थी और हम लोग वैसे बस्ती में गए जहाँ कि उन लोग पास साबुन लेने के भी पैसा नहीं था, इसीलिए हम लोग उन्हीं लोग को चिन्हित ज़्यादा किए और उन्हीं लोग के बीच में जाके बांटे। आपने सुना, इनका साफ तौर पर कहना है कि हम उस मोहल्ले में पहुँचे थे, उस घर में पहुँचे थे जहाँ के लोग इसके बारे में जान जरूर रहे हैं, लेकिन इससे बचाव कैसे हो इसकी जागरूकता की उनमें कमी है। साथ ही साथ वह मास्क और सैनिटाइजर की खरीदगी करने में सक्षम नहीं है, इनके द्वारा तो वहाँ वितरण कर दिया गया। आप भी इस खबर को देखने के बाद आप भी जागरूक हो, साथ ही साथ जहाँ भी मौका मिले लोगों को जागरूक करें और साथ ही अगर आप में सामर्थ्य है तो लोगों के बीच, वैसे लोगों के बीच जो जरूरतमंद है इसके लिए, उनके पास जा करके अब मास्क और सैनिटाइजर का वितरण करें ताकि वह कोरोना वायरस से संक्रमित होने से बच सके। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज़।